हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। ये देखिए कितने सारे बनाए हैं मैंने। तो मैंने अपने मम्मी के घर आई हुई हूँ और यहाँ पर सबकी डिमांड थी कि कुछ फटाफट से मीठा बनाओ सबके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये सबसे मतलब फटाफट से बनने वाली रेसिपी है नारियल के लड्डू। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही रही हूँ तो शेयर भी कर देती हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में ले लिया है मैंने घी और ये मैं 2 चम्मच घी ले रही हूँ और इसमें मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड नारियल, ये 1/2 kg है जिसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है और इसके बाद इसे निकाल लेंगे भून करके। और मैंने ना 400 ग्राम के करीब चीनी लिया है इसमें और जितना चीनी लिया है ना उतना ही पानी डाला है मैंने। 1 कटोरी चीनी था और 1 कटोरी पानी भी डाला है मैंने। और इन सबको ना थोड़ा चिपचिपा होने तक इसकी चाशनी बनानी है, कोई इसकी 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो ये देखिए थोड़ा चिपचिपा ये जब हो जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ नारियल। तो मैं डाल दे रही हूँ ये भुना हुआ नारियल और इसमें मैं डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर देंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो मिल्क पाउडर डालने की वजह से ना क्या होता है कि इसमें ना बहुत ही अच्छा मावा वाला मतलब स्वाद आता है, तो इसलिए डालिएगा ज़रूर। और इसे थोड़ा देर मिला लेंगे। तो ये देखिए अब हो चुका है ये। तो इसे हम क्या करेंगे ना कि गैस से उतार देंगे और उतारने के बाद इसे जब ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। मतलब पूरा ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म रहेगा, हल्का गर्म रहे तभी आप इसके लड्डू बनाइए, जिससे कि ना क्या होता है कि अच्छा सा मतलब इसमें शेप आप दे पाएंगे। तो अब आप क्या कीजिए कि हल्के हाथों से दबाते हुए इसकी लड्डू बना लीजिए, ये देखिए। और इसे ना थोड़ा सा ये सूखा नारियल का पाउडर मैंने रखा था बचा करके, डेसिकेटेड नारियल, तो उसमें लपेट लेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका स्वाद लगता है और भी ये देखने में काफ़ी भी अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए इस प्रकार से ऊपर से कोट कर लेंगे डेसिकेटेड नारियल से ही। तो ये देखिए कितने सारे बनाए हैं मैंने, बहुत ही बनाना ये आसान है, फटाफट से बन भी जाता है ये। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये आप नारियल के लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही मतलब 10 से 15 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा ये इतना सारे लड्डू। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।